प्रभु यीशु मसीह के क्रूशीकरण दिवस गुड फ्राइडे तथा ईस्टर पर्व की तैयारियों में मसीही समाज जुट गया है। मसीही समाज द्वारा 14 अप्रैल को महानगर के सभी चर्चों में सुबह पुरोहितों के नेतृत्व में व उनके अनुयायियों द्वारा हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए होसन्ना का गीत गाते हुए गिरजाघरों में प्रवेश किया, जो पाम संडे खजूर का इतवार के रूप में मनाया गया। खजूर का इतवार मसीही समाज के लिए विशेष महत्व रखता है। आज ही के दिन प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु अंतिम बार अपने शिष्यों के साथ गधे के बच्चे पर, जो दीनता व सरल का प्रतीक माना जाता है, सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। अपने राजा के प्रवेश करने पर उनके अनुयायियों द्वारा सड़कों पर खजूर की डालियां एवं अपने वस्त्र बिछाकर होसन्ना का गीत गाते हुए उनका स्वागत किया जाता है। इस संबंध में क्राइस्ट चर्च शास्त्री चौक के फादर डी आर लाल ने बताया। इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं, हे पतित पावन, अपनी कलीसिया के चढ़ावे पर ध्यान दृष्टि डाल और इस बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक से हार चुके, हम लोग भी वही पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिससे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। राह में अपने अरे आई राजाओं के राजा यीशु मसीह की जय। शांति का आज का दिन हम पाम संडे या खजूर के रविवार के रूप में मनाते हैं। इसका उद्देश्य, इसका कारण कि हम उस बात को याद करते हैं जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे तो उन्होंने विजय जुलूस के रूप में यरूशलेम में प्रवेश किया था,
और जब वो यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे तो उनके साथ एक बड़ी भीड़ थी, जिन्होंने अपने कपड़े उतारे और कपड़े उतार के रास्ते पे बिछाए, खजूर की डालियाँ वहाँ पे खजूर के पेड़ होते हैं सब काट काट के यहाँ से वहाँ तक रास्ते में बिछाई और होशन्ना के नारे लगाते हुए बड़े एक विजय उत्सव के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने गधे पे बैठ के, उनकी सवारी जो थी गधा, गधा जो है वो एक विनम्रता और दीनता का प्रतीक है और वहाँ पे गधे की सवारी यरूशलेम में आसपास वहाँ पे होने का रिवाज भी है, इसलिए लोगों ने उनको उस पर बैठा के और एक बड़े राजा के रूप में उन्होंने यरूशलेम में प्रवेश किया। और यरूशलेम में जब प्रवेश किया तो फिर वहाँ पे उन्होंने जो देखा कि उस समय जो मंदिर थे जो कि याजक महायाजक थे वो उन्होंने मंदिर को एक लेन देन का स्थान बना रखा था, व्यापार का स्थल बना रखा था, उसको उन्होंने वहाँ पे सफाई की और इसी को प्रतीक के रूप में हम प्रतिवर्ष इस पवित्र सप्ताह जो आज से प्रारंभ होता है, क्योंकि इसी सप्ताह में आगे चल के जब उन्होंने यरूशलेम में प्रवेश किया था तो फिर उनको एक खड्यंत के तहत पकड़वाया गया और पकड़वा के उनको क्रूस पे मृत्यु दंड दिया गया और इसी सब की यादगारी में आज ये प्रारंभ होता है, इसको हम पवित्र सप्ताह बोलते हैं। और आज हम खजूर के उस विजय प्रवेश के रूप में खजूर के रविवार को मनाते हैं और हमने मनाया, हम यहाँ पे बच्चों को हमारे जो हैं खजूर की डालियों को लेके और उसमें फूल लगा के सुंदर ढंग से सजाते हैं और प्रभु की होशन्ना होशन्ना यानी कि जय जयकार करते हुए हम प्रभु की महिमा और स्तुति करते हैं।